Welcome. We have to study the size of tetrahedral void, and for that purpose हमारे पास एक unit cell है, देखिए, और उसमें हमने particles को कुछ इस तरह से arrange कर दिया है कि जो void बने that is a tetrahedral void. देखिए किस तरह से, सबसे पहले हमने particle को यहाँ assume कर लिया, then one of its edge यहाँ and one of its diagonal यहाँ, and अगर हम इन तीनों particles को आपस में मिलाएं तो हमारे पास एक triangle shape आ रही है. और अगर हम बिल्कुल जिस point को, जिस particle को हमने सबसे पहले माना था, अगर हम उसके बिल्कुल opposite diagonal के ऊपर, diagonal के बिल्कुल opposite point के ऊपर भी particle मान लें, तो there might be any chances that any tetrahedral void be possible. So हम particles को यहाँ नेम दे देते हैं, पॉइंट्स के नेम दे देते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करना इजी हो जाए. सो दिस इज ए, हेयर इट इज बी, सी, डी, ई. और सपोज यहां पर कि एज लेंथ है, सपोज एज लेंथ इज ए, रेडियस ऑफ पार्टिकल इज कैपिटल आर, रेडियस ऑफ वॉइड इज स्मॉल आर, एंड देन लुक इफ ए बी इज इक्वल टू, अगर हम ए बी को ए मान लें, देन व्हाट इज ए सी, ए सी इज इक्वल टू टू ए, इसी क्या होगा 2a के इक्वल आ जाएगा. एंड व्हाट इज ए डी, देन ए डी इज इक्वल टू रूट 3a. क्लियर है, ए डी किसके इक्वल आ जाएगा, रूट 3a के. अब ए सी हम देखिए किसके बराबर होगा, वन पार्टिकल इज दिस, सो ए सी इज इस तरह से होगा. सो ए सी इज इक्वल टू टू आर. सिमिलरली ए डी इज इक्वल टू, यहां भी वॉइड है, अगर एक पार्टिकल यहां ले तो यहां भी वॉइड है. सो सॉरी, यहां थोड़ा सा फिगर मामूली सा चेंज आ गया कि हमें वॉइड के साथ साथ टच करवाना है. दिस इज द वॉइड, ये हमारे पास वॉइड है, साइज हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया वॉइड का, ठीक है, और एक पार्टिकल हमने यहां अरेंज कर दिया इस तरह से, और एक जो ये पार्टिकल है वो यहां अरेंज हो जाएगा. सो देयर इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑब्टेन्ड, एंड दिस इज इक्वल टू टू आर प्लस टू स्मॉल आर. दिस इज इक्वेशन सेकेंड, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. सो डिवाइड टू बाय वन, दो को एक से डिवाइड करें क्या आ जाएगा, देखिए सबसे पहले मैं इक्वेशन टू लिखता हूं, दिस इज रूट थ्री ए विच इज इक्वल टू टू आर प्लस टू आर, और इसे मैं डिवाइड करता हूं इक्वेशन वन से, दिस इज टू रूट टू ए विच इज इक्वल टू टू आर डिवाइडेड बाय टू आर. सो टू आर से टू आर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, दिस इज रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट टू विच इज इक्वल टू वन प्लस आर बाय आर. और अगर हम इसे और ज्यादा सोल्व करें तो मैं इधर देखिए सोल्व कर देता हूं, दिस इज रूट थ्री माइनस रूट टू डिवाइडेड बाय रूट टू विच इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय आर. और अगर आप इसे सोल्व करें तो स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू 0.224. So this R is equal to 0.224 capital R. So the radius of tetrahedral void is equal to 224 capital R. Okay. So these are the size of voids. ये हमारे पास क्या है, वॉइड्स के
साइज हैं, हमने वर्ड्स को लोकेट भी किया कि वर्ड्स किस पोजीशन पर हैं, वर्ड्स का साइज भी निकाला कि किस वर्ड का साइज क्या हो सकता है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड का हमने साइज देखा था वो किसके इक्वल था, 0.414 टाइम्स टू द साइज ऑफ पार्टिकल, और जो टेट्राहेड्रल वर्ड है उसका साइज क्या था, 0.224 टाइम्स द साइज ऑफ पार्टिकल। सो द नेक्स्ट थिंग जो हमें पढ़नी है वो हम कैलकुलेट करेंगे अभी, द रिलेशन बिटवीन नेबर पार्टिकल, कि नेबर पार्टिकल कितना दूर हो सकता है एज लेंथ और डायमीटर और से रेडियस ऑफ द पार्टिकल, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।